हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ लड्डू गोपाल की एक नई ड्रेस। तो सबसे पहले मैंने ये लेंस ली है। ये लेंस है, ये मल्टी कलर की, इसके अंदर लगभग सभी कलर हैं। और ये लिया है मैंने कपड़ा, ये पीच कलर है। ये लेस इस पर बहुत अच्छी लग रही थी, तो मुझे ऐसी एक ड्रेस तैयार करनी थी, तो आज उसी ड्रेस का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच और लंबाई है वो मैंने इसकी 15 इंच ली है। लेंस की जो लेंथ थी उसके हिसाब से मैंने कपड़े के लिए, ये हमारी स्ट्रिप्ड बनेगी, जो हमारी पट्टियाँ हैं उससे हम तैयार करेंगे। ये डबल है, इसे हम सिंगल करके इस तरीके से पट्टियाँ तैयार करेंगे, उसके बीच में ये लेंस लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हम स्कर्ट बनाने के ऊपर लगाते हैं, तो चलिए इस लेंस को हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, इसकी लेंथ थोड़ी कम थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कपड़ा ऐड किया है। अब इसके दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर हम सिलाई देंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ की सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट है। अब नीचे की तरफ से लेंस को लगाना है, तो थोड़ा सा आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे हमने कट कर दिया है। कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें लेस को लगाना है। इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमें लेस को इसके ऊपर कंटिन्यू लगाना है। चलिए इसी तरीके से पूरी दूर हमने लेंस को भी लगा लिया है। अब इसमें हम प्लेटें सेट करेंगे। प्लेटें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो आपको देखना है कि आप कौन से लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हो। तो मैं 4-5-6 इंच के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो ये लगभग हमें 3.5 या 4.5 तक रखना है। इससे ज़्यादा इसकी जो प्लेटें हैं वो ज़्यादा इंच में सेट नहीं करनी है। आप चाहें तो लगभग 3.5 और ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो 4.25 में कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इनको सेट करना है। हाथ से प्रेस करते जाएंगे ताकि बाद में हमें इस पर प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए ये सूती कपड़ा है, इसमें आसानी से प्लेटें सेट हो जाती है। तो देखिए हमारी जो फ्रॉक है वो तो बनके तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी बनी है ये ड्रेस। अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए ये लगभग हमारी 3.5 के अंदर अंदर ही बनी है, इससे बाहर नहीं है। तो देखिए ये तो बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें पट्टियाँ तैयार करनी है। उससे पहले इसके ऊपर की, इसके ऊपर जो कपड़ा लगेगा वो हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से कपड़े की लेंथ हमें देखनी है। ये एक्स्ट्रा कट कर लिया है मैंने, बट कोई ना, इसे आगे की तरफ से फोल्ड करना है। और इसकी जो स्कर्ट है उसके हमें उल्टी साइड यानी उसका जो बैक साइड है वहाँ पर इसको रखते हुए इस पर हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। अब इसे फ्रंट पार्ट की तरफ इसे मोड़ना है इस तरीके से। अगर आपको मुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे बीच में से थोड़ा कट भी कर सकते हैं। अब इसे आगे की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इसी तरीके से इस पर सिलाई लगाना है, कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए अभी जो हमारी स्कर्ट है वो बनके अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखिए स्कर्ट है वो ऑलरेडी तैयार है। अब हमें इसकी स्ट्रिप तैयार करनी है। चलिए अब इसके हम स्ट्रिप तैयार करते हैं। तो इसे बीच में से मैंने कट कर लिया। अब दोनों तरफ से फोल्ड करना है और इसके पहले हमें एक साइड में इसकी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है इसमें। अब इसके बीच में हमें लेस लगानी है, तो इस लेस को मैं कट करूँगी बीच में से। सिर्फ आगे के पार्ट के लिए हमें लेस लगानी है। ये कम थी इसलिए मैं थोड़ी कम कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप पूरी दूर भी लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने थोड़ा गैप रखा है, ये हमारी उसके अंदर सिलाई में आएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेस नहीं लगाई है। इसी तरीके से दोनों को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बीच में हमें निशान लगाना है और अब इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसके ऊपर हमारे स्कर्ट को रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और जो ड्रेस है वो बनके तैयार हो चुकी है। और लड्डू गोपाल को पहना के मैं कल वीडियो डालूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।